यो मैन, मेरे दोस्तों, कैसे हो भाई लोग? भाई, स्वागत है आपका मेरे YouTube गेमिंग चैनल में, एके गेम शॉर्टो में। गाइस, आज की वीडियो काफ़ी बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई, आप GTA 5 के अंदर कैरेक्टर कैसे डाल सकते हो। जैसे कि आपको सुपरमैन चाहिए, थैनोस चाहिए, या और भी कोई कैरेक्टर चाहिए, स्पाइडरमैन चाहिए, वो कैरेक्टर आप डाल के गेम खेल सकते हो। तो वो कैसे खेलोगे वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ गाइस। तो यहाँ पे अपने पास चार चीज़ें चाहिए, ये चारों फोल्डर यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप नाम देख लीजिए, लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए। तो ये चारों को आपको पहले डाउनलोड करने का है, उसके बाद गाइस सेम प्रोसीजर, स्क्रिप्ट हुक तो हमें पहले डालने हैं। तो ये मैंने किया यहाँ से कॉपी, और ये हो गई पेस्ट, तो ऑलरेडी थी तो इसलिए रिप्लेस पूछ लिया। स्क्रिप्ट हुक ऑलरेडी है, और स्क्रिप्ट हुक 5 पे डालना है हमें। बिन फोल्डर में जाके यहाँ से फर्स्ट वाली फाइल को कॉपी और पेस्ट, ये मैंने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद थर्ड नंबर फाइल कॉपी और पेस्ट, ये हो गई पेस्ट। तो चलिए गाइस, अपना स्क्रिप्ट हुक फाइनली इंस्टॉल हो गया है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके स्क्रिप्ट नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना है, स्क्रिप्ट्स। ये फोल्डर क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ से थर्ड नंबर जो अपना फोल्डर है नेटिव, यहाँ से इसको कॉपी करके स्क्रिप्ट के अंडर डालिए और यहाँ पे कीजिए पेस्ट। ये आपका नेटिव भी डाउनलोड हो गया। अब आइए एड ऑन पैड्स, जो ये मेन है, इसमें गाइस आप ध्यान से देखिए हमें क्या करना है। पहले आप जाइए DLC पैक में, DLC पैक के अंदर एड ऑन पैड्स को कीजिए कॉपी, और GTA फोल्डर में आपको जाना है मॉड्स में, अपडेट X64 DLC पैक्स, यहाँ पे कीजिए पेस्ट। ये गाइस हो गया पेस्ट। उसके बाद आप जाइए स्क्रिप्ट्स में, स्क्रिप्ट्स में ये फाइल है पैड सेलेक्टर .dll, तो इसको कीजिए कॉपी, और GTA 5 फोल्डर में आपको वापस बाहर आके यहाँ पे मोर अपना स्क्रिप्ट फोल्डर जो हमने बनाया था उसके अंदर जाना है, और यहाँ पे करना है पेस्ट। ये हमने स्क्रिप्ट में इसको पेस्ट कर दिया। अब गाइस आपको थर्ड स्टेप क्या करना है, इसी में आपको ये खोलना पड़ेगा, पहले रीडमी, रीडमी खोल के आप खोलिए ओपन फोर, ओपन फोर करके आपको यहाँ पे कुछ एडिटिंग करनी पड़ेगी, जिससे आप अपने कोई भी कैरेक्टर को फिर GTA 5 में ला सकते हो। वो कैसे एडिटिंग करनी है आप इस वीडियो को थोड़ा भी गौर से देखिएगा। पहले जाइए एडिट मोड में, एडिट मोड के बाद यहाँ पे मॉड्स, अपडेट, अपडेट डॉट RPF, कॉमन डेटा, और यहाँ पे नीचे है एक ये DLC लिस्ट डॉट XML को कीजिए राइट क्लिक, राइट क्लिक करके एडिट, एडिट करके गाइस हमें यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी है। वो कौन सी लाइन है, आपको ये रीडमी फाइल ओपन करनी है जो एड ऑन फोल्डर्स में ऑलरेडी है। तो ये यहाँ पे आप जाके, ये रहा थर्ड नंबर में इंस्टॉलेशन के लिए गाइडेंस दी हुई, तो वो कैसे करना है, यहाँ पे आप इसको कीजिए सेलेक्ट, यहाँ पे कॉपी, कॉपी करके इसको नीचे करके यहाँ पे करना है आपको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद गाइस इसको कर दीजिए सेव। देखिए चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सेव हुआ है कि नहीं। ऑलराइट, ये हमारा एड ऑन पेज सेव हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे ये प्रोसीजर पूरा हुआ, यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए। फिर से आप अपना एड ऑन फोल्डर्स जो है वो फोल्डर्स खोल दीजिए, उसमें आपको ये एक देखेगा एड ऑन पैड्स एडिटर, तो आपको इसे राइट क्लिक करके ओपन करना है। गाइज नोट कीजिएगा, ये सिर्फ आपको राइट क्लिक करके ही ओपन करना है। राइट क्लिक ओपन करने के बाद अपना एड ऑन पैड्स एडिटर ओपन हो जाएगा, और गाइज इसमें आप देख रहे हो दो मॉडल ऑलरेडी दिए हुए हैं, माफिया नाम का कोई कैरेक्टर है, वीटो और सुपरमैन। ये गाइज मैंने नहीं डाले हैं, मैं आपको फिर से बता दूँ, ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इसमें डले हुए हैं। गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जैसे इन्होंने सुपरमैन डाला है, तो आप कौन सा कैरेक्टर क्या डाल सकते हो वो मैं इस नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। इस वीडियो में बता सकता था बट क्या वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती थी, तो इसलिए वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। इसके बाद आपको गाइस ये ओपन करने के बाद यहाँ पे दबाना है रीबिल्ट, रीबिल्ट कंप्लीटेड हो गया, टू पैड्स सेव्ड हो गए। अब ये टू पैड्स ऑलरेडी जो हमारे दो कैरेक्टर है, ये माफिया और सुपरमैन, आपकी GTA 5 में इंस्टॉल हो चुके हैं। अब इसे कैसे हमें लाना है इन कैरेक्टर्स को, तो चलिए वो हम गेम स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए गाइज यहाँ पे अपना GTA 5 गेम स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइज अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप अपना वो कैरेक्टर जो सुपरमैन और दो
माफिया नाम का एक कैरेक्टर था, वो दो कैरेक्टर्स को आप माइकल की जगह पे कैसे ला सकते हो गाइस। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कल एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई थैनोस को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। ये तो आपने देखा होगा कंपनी की तरफ से हमें दो कैरेक्टर ऑलरेडी दिए हुए थे, सुपरमैन और माफिया। उन लोगों ने सुपरमैन कैसे डाला है एड ऑन पैड्स में, वो कल की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। आपको प्रेस करना है एल एल बटन से, यहाँ पे एक मेन्यू पॉपअप हुई, जैसे मैप एडिटर का मेन्यू होता है या सिंपल ट्रेनर का मेन्यू होता है, वैसे ही एल बटन दबा के आपको ये मेन्यू सामने आ जाएगा। उसके बाद एंटर कीजिए और यहाँ पे देखिए कंपनी का जो दो कैरेक्टर्स दिए गए हैं सुपरमैन और वीटो माफिया, तो वो आ चुके हैं। अब हम प्रेस करते हैं और ये देखिए अपना भाई सुपरमैन आ गया लॉस सैंटोस में पूरे शहर को बचाने। गाइस कैसे अजीब लग रहा है यार, कच्चा पहन के साला सुपरमैन आया है। बट गाइस ये नॉर्मल सुपरमैन, ये उड़ेगा उड़ेगा नहीं, ये एक डिफॉल्ट कैरेक्टर है। अगर आपको उड़ने वाला सुपरमैन चाहिए तो वो अलग से हमें पैड हम इंस्टॉल करने का, तो कल की वीडियो में गाइस मैं आपको वही बताऊंगा कि वो आप पैड कैसे इंस्टॉल करोगे। तो गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को भी गाइस सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह आपको ढेर सारी GTA 5 मॉड्स के रिलेटेड में वीडियो मिलती रहेगी, और प्लीज़ लाइक ज़रूर दे देना। तब तक के लिए गाइस एंजॉय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।